आज इछावर स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी समस्याओं को लेकर इछावर एसडीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि स्वास्थ्य कर्मियों की लगातार 6 माह से कोविड-19 महामारी में टीकाकरण ड्यूटी चल रही है, जिसे हम पूरी मेहनत से कर रहे हैं, लेकिन अपने दायित्वों के निर्वहन में लगातार जो फील्ड में समस्याएं आ रही हैं उनमें आपका विशेष अनुग्रह चाहते हैं। सभी महिला स्वास्थ्य कर्मियों को इस सभी दायित्वों के साथ घरेलू कार्य और छोटे बच्चों का पालन पोषण और ध्यान भी रखना पड़ता है। कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में कोविड के इंजेक्शन लगाने के लिए सारी एनएम और बहनों ड्यूटी लगाई जाती है। यहाँ पर हम लोगों को कलेक्टर साहब सुबह 7 बजे से बुला के शाम को 9 भी बज जाती है, रात में 8 भी बज जाती है, और हम लोगों को ना तो खाने की व्यवस्था का, जबकि कलेक्टर माननीय कलेक्टर मोदी द्वारा आदेश है कि पंचायत द्वारा खाना पीना वहीं की व्यवस्था की जाएगी, जबकि हमको एक गिलास पानी भी नहीं दिया जाता। कुछ पंचायत के सर लोग अच्छे हैं जो दे देते हैं, बाकी तो हम लोगों को बदतमीजी से ही बोलते हैं। यही बार हमने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से भी इस बात की शिकायत कर चुके कि जिस इंसान के लिए सुबह से आप लगा रहे हैं तो आप कम से कम 9 बजे से हमारी ड्यूटी लगाई जाए, उसके बाद शाम के 5 बजे तक, और हमको गलत तरीके से अपमानित किया जाता गांव के अंदर। हम ये चाहते हैं कि जो लोग हम लोगों के साथ बदतमीजी करें उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जो कोविड-19 का टीकाकरण चल रहा है उसमें एक समय सीमा होनी चाहिए हमारे लिए। एक एएनएम सुबह 7 बजे जाएगी और रात को 10 बजे आएगी, तो वो उसके क्या हाल होंगे? तो हमारा ये आपसे निवेदन है कि टीकाकरण का टाइम 10 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाए। इछावर से EMS TV के लिए शिवराज सिंह राजपूत की रिपोर्ट।